हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की है और एक्सेस में एक प्रोडक्ट मैनेजमेंट का छोटा सा सॉफ्टवेयर दिखाता हूँ आपको कैसे ये बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले ब्लैंक डेटाबेस पे क्लिक करना है और जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक नया सिनेरियो हमें देखने को मिलता है। ठीक है, वो सिनेरियो कुछ इस तरीके का दिखेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्लैंक डेटाबेस आ चुका है। आप चाहे तो डेटाबेस का नाम चेंज कर सकते हैं, एक्सटेंशन आपको दिख ही रहा है .accdb, क्लिक कर दीजिए इसी पे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ व्यू आएगा और व्यू पे जाएंगे तो दो व्यू दिखाई देंगे, एक डेटाशीट व्यू, डिजाइन व्यू। तो हमें फिलहाल डिजाइन व्यू पे जाना है और इसका मैं नाम रख देता हूँ प्रोडक्ट एम, प्रोडक्ट मैनेजमेंट हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट मैनेजमेंट की टेबल बन गई। यहाँ पर लिखते हैं प्रोडक्ट आईडी, क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट अंडरस्कोर लगा के लिख देते हैं आईडी। अंडरस्कोर लगा के लिखना जरा सही रहता है। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पे नेम ऑफ प्रोडक्ट करेंगे तो ये हो गया नेम अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर प्रोडक्ट। तो इस तरीके से कर दिया नेम ऑफ प्रोडक्ट। अब जैसे नेम ऑफ प्रोडक्ट करते हैं तो यहाँ पर शॉर्ट टेक्स्ट हो जाएगा। आप अगर 2007 यूज करेंगे तो इसमें सिर्फ टेक्स्ट मिलेगा आपको। ठीक है, तो टेक्स्ट ले सकते हैं। यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर इसकी प्राइस आएगी। ठीक है, तो ये हो गया प्राइस और यहाँ पर प्राइस डाल देंगे, जो भी आपकी प्राइस आएगी वो यहीं पर आएगी। तो प्राइस में क्या आएगा, ये करेंसी डेटा टाइप रखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर करेंगे यूनिट, तो ये यूनिट भी कर दिया। और यूनिट करते यहाँ पर डेटा टाइप आएगा नंबर, और यहां पर जाकर के इसे बना लीजिएगा क्या, डबल। तो यहां से डबल बना लिया और यहां पे टोटल प्राइस आएगा, क्या आएगा, टोटल प्राइस। ठीक है, तो अंडरस्कोर लगा के लिखते हैं टोटल प्राइस इस तरीके से। और टोटल प्राइस क्या आएगा, यहां पर कैलकुलेटेड डेटा टाइप का इस्तेमाल। ठीक है, आपको यहां क्या करना है, कैलकुलेटेड डेटा टाइप का इस्तेमाल करना है। आपको यहां 2021 में कैलकुलेटेड मिल जाता है, अगर आप 2016 या 19 यूज करते हैं तो उसमें भी आपको कैलकुलेटेड की सुविधा मिल जाती है। तो यहां कैलकुलेटेड डेटा टाइप का इस्तेमाल मैंने कर लिया है। ठीक है, अब यहां पर आकर के सबसे पहले स्क्वायर ब्रैकेट बनाना है और प्राइस को मल्टीप्लाई कर देना है यूनिट से। जैसे ही आप प्राइस को मल्टीप्लाई करते हैं यूनिट पे दिक्कत हो रही है, तो ये हो गया। और यहां से ओके कर दिया और यहां से ओके करने के बाद फिर यहां से व्यू पे क्लिक कीजिए और ये हो गया। ठीक है, तो ये काम हो गया है। अब यहां पर क्या करते हैं, यहाँ पे अगर टैक्स वगैरह लगता है तो यहाँ पे टैक्स भी लगा देते हैं, टैक्स इन परसेंट। अब जो भी आएगा टैक्स ना, वो परसेंट में आएगा। ठीक है, तो कितना परसेंट टैक्स लगा, जीएसटी कितना परसेंट लगा। ठीक है, यहाँ जीएसटी कर देते हैं, जीएसटी। ठीक है, जीएसटी इन परसेंट। ठीक है, तो ये जीएसटी आएगा और सीजीएसटी एसजीएसटी जो भी होता हो। तो मैं फिलहाल यहाँ पे नंबर रखूंगा और यहां से बनाऊंगा इसे डबल। ठीक है, ये बना दिया डबल। और डबल बनाने के बाद यहां पर फॉर्मेट क्या रखना है, आपको परसेंट रखना है। क्या रखना है, परसेंट। तो ये ध्यान दीजिएगा, फॉर्मेट जरूर चेंज कर लीजिएगा। ये फॉर्मेट चेंज किया। अब चूंकि आपका टोटल टैक्स जो है ना, टोटल प्राइस के अंदर ही छिपा होगा। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, प्राइस के अंदर ही जो टोटल प्राइस आएगी उसी में आपका टैक्स छिपा होगा, उसी में से कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो यहां पर आप चाहे तो ड्रॉप डाउन भी लगा सकते हैं। तो ये जो नंबर हमने बनाया है इसमें आप यहां से जाके ड्रॉप डाउन भी बना सकते हैं। ड्रॉप डाउन कैसे बनेगा, यहां पे जाएंगे और यहां पर आपको जो भी लिखना है, जैसे मान लीजिए मैंने यहां कर दिया 5%। ठीक है, ये 5 लिखा, फिर यहां लिखा 10%, ये परसेंट ये इस तरीके से, फिर यहां 12%, फिर यहां 18%, फिर यहाँ 21%, जो भी जीएसटी का टैक्स स्लैब है वही मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ। ठीक है, और 21% हो गया और यहाँ 28% एट लास्ट। ठीक है, और यहाँ से नेक्स्ट करिएगा और नेक्स्ट करके यहाँ से फिनिश कर दीजिएगा, तो ये इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, आपको यहाँ से जाना है और यहाँ से जाके क्लिक करना है। ठीक है, और उससे भी पहले क्या करना है, यहाँ पर हमको टोटल टैक्स अमाउंट कैलकुलेट करना है, टोटल टैक्स अमाउंट, AMOUNT। ठीक है, तो ये टोटल टैक्स अमाउंट भी यही आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं ना, यहाँ पे कैलकुलेटेड डेटा टाइप का इस्तेमाल कर लेते हैं और यहाँ पर टोटल प्राइस में ही हमारा टैक्स छिपा होगा, तो टोटल अंडरस्कोर प्राइस जैसे लिखा गया बिल्कुल वैसे ही आपको टाइप करना है। देखिएगा, अगर स्पेलिंग मिस्टेक करेंगे तो ये आंसर आपका नहीं आने वाला है, तो स्पेलिंग नहीं मिस्टेक कीजिएगा, ये ध्यान रखिएगा। और जीएसटी इन परसेंट कर देंगे तो ये हो गया जीएसटी इन परसेंट, PERCENT परसेंट। ठीक है, तो जीएसटी इन परसेंट हो गया। और यहां पर क्या करना है, ओके करना है, और ओके करने पे यहाँ पे ये इनवैलिड बता रहा है। मैं अभी चेक कर लेता हूँ यहाँ पे क्या दिक्कत है। ये हो गया, इसे जूम व्यू पे ले लिया। अब वापस से चलते हैं, ये टोटल प्राइस है तो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे TOTAL टोटल और फिर अंडरस्कोर लगा के लिखिए प्राइस और यहाँ पे क्या करना है, मल्टीप्लाई बाई क्या करना है हमें, जीएसटी इन परसेंट। जैसे लिखा गया बिल्कुल वैसे ही लिखना है, PERCENT परसेंट हो गया। तो बस यहां से ओके करिए और ये ओके करने के बाद यहां से जाइए व्यू पे क्लिक कीजिए और यहां से यस कर दीजिए। तो ये आपका काम हो गया है, यहां पे ये सारी चीजें आती चलेंगी अब। ठीक है, तो यहां पर कुछ इस तरीके से ये हो जाएगा। अब देखिए यहां पर नेम ऑफ प्रोडक्ट में आप जो भी एंटर करेंगे, जैसे मान लीजिए आपने एंटर किया यहाँ पे लाइक टाटा टी, टाटा
टी। अब टाटा टी चाय पत्ती का नाम है, और यहाँ पे ये जो है ना 490 रुपए किलो है, मान लीजिए 490 रुपए किलो, एक केजी का दाम कितना है 490, तो हमारे पास कितना है 10 किलो है, तो 10 किलो की, अच्छा यहाँ पे ये इस पे कितना टैक्स लगा हुआ है, तो यहाँ पे ये आ रहा है ना इस तरीके से, तो अगर आप 12 लिखते हैं तो यहाँ 12 आ गया, तो 12% के हिसाब से यहाँ टैक्स भी आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे 12 लिखने पे जो सबसे बड़ी समस्या है वो यही है। देखिए यहाँ पर कुछ और भी प्रोडक्ट्स एंटर किए हैं, लेकिन 490, अब देखिए ये 4900 का सामान बिका और उस पर 58800 टैक्स थोड़ी ना लगेगा, टोटल टैक्स अमाउंट तो गलत कैलकुलेट हो रहा है, ये तो ठीक से कैलकुलेट ही नहीं हो रहा है। तो इसके लिए आपको ये ध्यान देना है कि जब भी आप बनाएंगे, जब भी आप कोई काम करेंगे, तो यहाँ पर ये चीज ध्यान दीजिएगा, ये जीएसटी 3% है, तो ये नंबर हमने कर लिया है, लेकिन इसका फॉर्मेट जो है परसेंट का होना चाहिए। देखिए फिर मैं आता हूँ यहाँ पे, यहाँ पे नीचे आया मैं, और यहाँ पे फॉर्मेट इसका हमें परसेंट रखना है। ठीक है, ये हट गया था, ठीक है, तो ये गलती आप मत कीजिएगा। ठीक है, अब ये देखिए 1200% हो गया, 1200% थोड़ी नहीं देना है, यहाँ पे तो 12% देना है, तो ये चीज ध्यान रखना है आपको। ठीक है, यहाँ पे 12 करेंगे तो देखिए ये 1200% हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ 12 रखना है। ठीक है, अब देखिए ये 12% पे 588 रुपए आ गया, अब यहाँ पे 1000 आ गया, 10% लिखा तो 1000, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, सिर्फ 10 रखना है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये 500% हो गया, तो ये सब चीज आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, बाकी सब चीज तो होता चलेगा, बाकी सब में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर भी 5% ही रहेगा, तो ये 5% ही आपको रखना है, ये सब चीज बस ध्यान देनी है आपको, बाकी सब चीज आसान है। ठीक है, अब यहाँ से इसको सेव कर लीजिए। अब इसके लिए हमें क्या बनाना है, एक हम फॉर्म बनाएंगे, क्या बनाएंगे, फॉर्म बनाएंगे। तो इसके लिए हम एक फॉर्म बनाते हैं, क्रिएट पे चलते हैं और यहाँ से विजर्ड से जाएंगे, ये फॉर्म विजर्ड से हमें जाना है, और विजर्ड से जाने के बाद इन सारे फील्ड्स को लेकर के नेक्स्ट करेंगे, और यहाँ डेटा शीट व्यू में चाहिए, जस्टिफाइड चाहिए, कैसा चाहिए वो देख लीजिएगा। फिलहाल हम टेबुलर फॉर्म में ले लेते हैं, और यहाँ से इस तरीके से हमने कर दिया है। ठीक है, लेकिन यही चीज आप अगर कॉलमर फॉर्म में लेंगे, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, मैं वापस से चलता हूँ, इसको क्लोज करता हूँ और यहाँ से डिलीट भी कर देता हूँ। देखिए ये फॉर्म अभी अभी बनाया है, इसको डिलीट कर रहा हूँ। यही चीज हम टेबुलर फॉर्म में लेंगे तो ये कैसा दिखेगा, तो देखिए यहाँ पे सारे फील्ड्स को ले लिया, यहाँ पे गए, अब देखिए ये टेबुलर में लिया था, कॉलमर में लेते हैं, सॉरी कॉलमर में लेंगे, और यहाँ से मॉडिफाई डिजाइन पे जाएंगे और यहाँ से ऐसे कर देंगे, तो देखिए ये इस कुछ इस तरीके से आएगा। अब इसको थोड़ा छोटा भी करना होगा हमको, यहाँ से जाकर के इसको थोड़ा छोटा बड़ा कर लीजिएगा। ठीक है, ये सब चीजें कर लीजिएगा। ठीक है ना, तो ये छोटा हो गया, और यहाँ से थोड़ा सा हम इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, और यहाँ से इसको सेलेक्ट करके और थोड़ा सा इसे डार्क कलर रखेंगे, ताकि हमें देखने में सुविधा हो, क्योंकि ये बड़ा ही हल्का है कलर, तो ये ठीक नहीं है। और यहाँ से ये प्रोडक्ट जो आ रहा है इसको हटा देंगे। ठीक है, और हटा करके क्या करेंगे, यहाँ से हम एक कॉम्बो बनाएंगे, कॉम्बो क्या बनाएंगे, कॉम्बो बनाएंगे, तो यहाँ से जाएंगे और ये जो कॉम्बो है इस पर क्लिक करके और यहाँ से ड्रैग करवा लेंगे। जैसे ड्रैग करवाएंगे तो ये थर्ड वाले ऑप्शन पर टिक करके आगे बढ़ेंगे और प्रोडक्ट आईडी करेंगे, और यहाँ पर आकर के हम सारा चीज प्रोडक्ट आईडी के ही बेस पे सर्च करेंगे। समझ में आ रही है बात, तो प्रोडक्ट आईडी के बेस पे सर्च करेंगे, इसीलिए ऊपर प्रोडक्ट आईडी लेके आए हैं, क्योंकि हमने प्रोडक्ट आईडी को प्राइमरी की भी बनाया था, शायद आपको याद होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जाकर के इसका कलर भी चेंज कर दिया। ठीक है, अब ये बेहतर दिखेगा, और यहाँ पे अगर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर अगर मैं चूज करता हूँ प्रोडक्ट आईडी 4, तो हमें 4 वाले का ही डिटेल दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ से अगर मैं चूज करता हूँ 2, तो हमें 2 वाले का ही डिटेल दिखाई पड़ेगा। तो इस वजह से ये कॉम्बो हमने बनाया। ठीक है, इसको हम यस कर देते हैं, ये भी सेव हो गया हमारा, यानी टेबल तक हमारा क्लियर है। लेकिन हमें रिपोर्ट जब जनरेट करनी है, तो हम ये चाहते हैं कि अगर यहाँ पर 3 वाला प्रोडक्ट आईडी सेलेक्ट हो, तो केवल 3 वाला ही रिपोर्ट जनरेट होकर आए, सारा ना आ जाए एक ही बार में। तो इसके लिए हमें एक क्वेरी बनानी होगी, क्रिएट पे जाएंगे, क्वेरी डिजाइन पे ना जाकर के क्वेरी विजर्ड पे जाएंगे और यहाँ से ऐड करवाएंगे, और ये देखिए ये हमारा है। ठीक है, और हम फॉर्म अब देखिए ये है ना, तो यहाँ पे प्रोडक्ट एम नाम है, फॉर्म का भी नाम है और ये टेबल का भी नाम है। पहले तो यहाँ से इसको क्लोज करना होगा, और देन यहाँ से जा करके और इसको रीनेम करेंगे, तो यहाँ पे खाली एफ कर देते हैं ताकि पहचान हो। ठीक है, कि कौन सा प्रोडक्ट का टेबल है और कौन सा जो है फॉर्म है। ठीक है, तो प्रोडक्ट एफ लिख दिया है। अब यहाँ से चल के आप क्वेरी विजर्ड पे जाएंगे, और जैसे विजर्ड पे जाएंगे तो यहाँ पे यस करके और ये सारी वैल्यूज हम ले लेंगे। ठीक है, सारी वैल्यूज ले करके आप देखिए यहाँ पर दो चीजें, आप देखिए यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे केवल एक ही आएगा, टेबल ही आएगा, क्योंकि अभी अभी हमने प्रोडक्ट एफ को सेव किया। यहाँ से इन सारे फील्ड्स को लेकर के और यहाँ नेक्स्ट करके यहाँ मॉडिफाई डिजाइन पे जाके और यहाँ से नेक्स्ट कर देंगे। जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ करेंगे फॉर्म, एफ ओ आर एम, फॉर्म्स आ गया। अब यहाँ पे एक्सक्लेमेशन लगा के प्रोडक्ट एफ जो है ये हमारा फॉर्म का नाम है, तो प्रोडक्ट एफ के ही बेस पे सर्च करना है। और यहाँ क्या करेंगे, हम
यहां कर देंगे हम लाइक प्रोडक्ट आईडी, तो बस हमको पी टाइप करा, देखिए यहां पे नीचे आ भी रहा है, यही ले लेते हैं, डबल क्लिक करके चूज कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, और इसको सेव करेंगे, ठीक है। तो ये सेव हो गया, प्रोडक्ट एम क्वेरी के नाम से सेव हुआ है, ठीक है, इसको सेव करके क्लोज कर दिया। अब देखिएगा कमाल, अब हम यहां से रिपोर्ट जनरेट करने जा रहे हैं, तो यहां से क्रिएट पे जाएंगे और क्रिएट पे जाकर रिपोर्ट विजर्ड पे जाएंगे, विजर्ड पे गए और हमें रिपोर्ट किसके बेस पे जनरेट करनी है, ये जो क्वेरी है इसी के बेस पे, तो ये आ गए और सारे फील्ड्स को ले लिया, ठीक है, और यहां से जाके नेक्स्ट किया और प्रोडक्ट आईडी को हम देंगे प्राथमिकता, क्योंकि प्रोडक्ट आईडी के बेस पे हम ये तैयार करेंगे और इसे ब्लॉक में रखेंगे, एक एक ब्लॉक में करके आएगा तो बेटर रहेगा। और यहां से अच्छा है तो आप यहां से चेंज भी कर सकते हैं, चाहे तो आउटलाइन रख सकते हैं या और भी कोई चीज, तो यहां से जाकर के चलिए आउटलाइन ही रख लेते हैं और यहां से इस तरीके से ये आ जाएगा। अब ये आ गया है, लेकिन कोई चीज बहुत बड़ी है, कोई चीज बहुत छोटी है, तो इसको सही वे में कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे ये हमने कर दिया है यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए ये परसेंट्स में पी छिपता हुआ दिख रहा है, तो यहाँ से छोटा बड़ा जब करेंगे ना तो सब सेटल हो जाएगा ये। और फिर हमको कहाँ जाना है, व्यू पे जाना है, व्यू पे जैसे ही जाएंगे तो ये पूछेगा कौन सा प्रोडक्ट आईडी देखना चाहते हैं, तो वन करिएगा तो वन वाले प्रोडक्ट का ही पूरा डिटेल आपको नजर आएगा, दिख रहा है। अच्छा चलिए यहाँ पर आ जाते हैं, इसमें तो अभी कुछ सेलेक्ट ही नहीं है फॉर्म में, ठीक है, तो यहां से जाइए थ्री कर दीजिए, थ्री कर दिया। अब हमको क्या करना है, यहां पर आना है, यहां पर जैसे ही आते हैं तो यहां पर अब आपको क्या दिखाई पड़ेगा, यहां प्रोडक्ट आईडी जो है वन ही दिखाई पड़ा, लेकिन एक बार रिफ्रेश किया तो ये क्या आ गया, प्रोडक्ट आईडी थ्री आ गया। सिर्फ रिफ्रेश करने की जरूरत है, अगर आप रिफ्रेश भी नहीं करना चाहते तो उसके लिए एक विजुअल बेसिक कोड आता है, वो मैं किसी वीडियो में बता दूंगा, बहुत सारे वीडियोस में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, अगर आपको जरूरत है तो डेटाबेस वाला वो डीबीएमएस जो हमने प्लेलिस्ट बनाया है, तो डीबीएमएस के प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, उसमें वीडियोस मिल जाएंगी आपको, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आई होगी। अब देखिए यहाँ पर चेंज कर रहा हूँ, थ्री था ना, अब यहाँ टू कर रहा हूँ, तो जैसे ही टू करूंगा और यहाँ पर आऊंगा ना और एक बार रिफ्रेश करूंगा, खाली देखिए रिफ्रेश किया तो यहाँ पर देखिए ये पूरा डिटेल आ रहा है, आ रहा है कि नहीं, प्रोडक्ट आईडी टू वाला आ गया, देखिए ये टू वाला है, ठीक है ना। तो इस तरीके से सिंगल सिंगल जो है रिपोर्ट आप जनरेट करा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।